बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मशरिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। कौमी मालियाती कमीशन के लिए तकर्रुरशुदा बलूचिस्तान के मेंबर जावेद जब्बार के इस्तीफा पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीरजाम कमाल खान का रद्दअमल। सूबाई बुजरा मिर्ज़ा लांगू ज़हूर अहमद बुलेदी का दौरा तुर्बत, सानहा जंग लवाहिकीन के घर आमद, फातिहा खानी और ताज़ियत। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से निबर्द अजमा, एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर जुबैर रहीम काकड़ डिप्टी एमएस फातिमा जिन्ना अस्पताल क्वेटा ने मुश्किल हालात में अस्पताल की जिम्मेदारियां संभाली। जब एमएस कोरोना वायरस का शिकार हुए और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जुबैर काकड़ हकीकी मानों में फ्रंट लाइन पर कोरोना के शिकार मरीजों की देखभाल में अहम किरदार अदा कर रहे थे। बलूचिस्तान से NFC अवार्ड्स के गैर सरकारी रुकन जावेद जब्बार मुस्ताफी। कोरोना वायरस से मुतासर BMC ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद को दौरान अलालत तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम की गई। तर्जमान महकमा सेहत बलूचिस्तान। कोयटा के इलाके हजारा टाउन में नौजवान पर तशद्दुद के वाके पर 8 रुकनी JIT टीम तश्कील दे दी गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए गैर मामूली पेशरफ्त होगी। DG हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर मोहम्मद सलीम अबरू ने खुशखबरी सुना दी। पड़ोसी मुल्क ईरान से मुंतकिल होने वाला कोरोना वायरस मुतासिरा ज़ायरीन के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। ये वो वक्त था जब दीगर सूबों को कोरोना वायरस के बारे में इब्तदाई मालूमात भी नहीं थी। उस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान ने दूरंदेशी का मुजाहिरा करते हुए तफ्तान बॉर्डर पर ज़ायरीन को रोकने, उन्हें करंटीना करने और तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी का फैसला और इकदाम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की हिदायत पर कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नज़र महदूद वसाइल में रहते हुए तरजीही बुनियादों पर हिफाजती इकदाम किए गए। इब्तदाई तौर पर तफ्तान बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और वफाकी हुकूमत के जरिए ईरानी हुकूमत से ज़ायरीन के टेस्ट और करंटीना की दरख्वास्त की गई। लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को तफ्तान पहुँचा दिया। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान ने एमरजेंसी बुनियादों पर तफ्तान में करंटीना सेंटर कायम किया। महकमा सेहत PDMA और जिले इंतजामिया ने दस्तियाब वसाइल बुरुएकार लाते हुए 5,000 से जायद ज़ायरीन को अशियाए खुर्दनोश, तिब्बी सहूलियात और दीगर जरूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया। ईरान से आने वालों की स्क्रीनिंग का आगाज फौरी तौर पर कर दिया गया और साथ ही सूबे भर में हेल्थ इमरजेंसी और बाद अज़ां 15 मार्च से सूबे भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। साथ ही चमन बॉर्डर को सील करके वहां भी करंटीना मरकज कायम किया गया, जहां 300 अफराद को करंटीना करने की गुंजाइश रखी गई। इसके अलावा PCSIR RDA कोयटा में भी करंटीना मराकज कायम किए गए और शेख जैद अस्पताल कोयटा को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस किया गया। जबकि हुकूमत कोरोना वायरस की तशखीस के लिए फौरी तौर पर फातिमा जिन्ना चेस्ट अस्पताल में एक मॉडर्न टेस्टिंग लैब का क्याम अमल में लाए, जहां रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के मुश्तबा मरीजों की बाकायदा टेस्टिंग शुरू की गई। मजीद बरां वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की हिदायत पर कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना वायरस के रैंडम टेस्ट करने का आगाज किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर टेस्टिंग मराकज कायम करके शहरियों के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। इस जिम्न में ताहाल 8,000 से ज्यादा मरीजों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 900 अफराद के टेस्ट मस्बत आए, जबकि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 180 है। हुकूमत बलूचिस्तान ने हालात की संगीनी के पेश नज़र डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले की हिफाजत के लिए मुअस्सर इकदाम किए और हुकूमती सतह पर डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और सूबे भर के अस्पतालों में फराइज सर अंजाम देने वाले अहलकारों के तहफ्फुज के लिए अब तक 72,000 PPE किट्स, 45,000 N95 मास्क, 6,25,000 दस्ताने, 2,00,000 शू एंड हेड कवर्स, 45,000 सेफ्टी गॉगल्स, 80,000 ऑक्सीजन मास्क, 3,70,000 सर्जिकल मास्क, हजारों की तादाद में VTM, 6,000 हाइजीन किट्स, 10,000 सैनिटाइजर्स, 2,000 एप्रन और हजारों लीटर जरासीम कुश स्प्रे फ्राहम किया गया।
इसी तरह डिविजनल कमिश्नरों को रिलीफ का सामान और जरूरी तिब्बी आलात फराहम किए गए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महकमा सेहत और जिला इंतजामिया कोयटा के मुश्तरका तआवुन से कोयटा में रैपिड रिस्पांस टीम का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत हेल्पलाइन 1122 पर किसी भी वक्त राब्ता करके मदद तलब की जा सकती है। लॉकडाउन से मुतासरा घरानों को बिला सूद कर्जा देने के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर एमरजेंसी कर्ज हसना स्कीम का इजरा किया है, जिसके तहत पहले मरहले में बलोचिस्तान के 25,000 खानदानों को बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस रिलीफ फंड भी कायम किया गया, जिसके जरिए लॉकडाउन से मुतासर होने वाले दिहाड़ीदार तबका और मुस्तहकीन के लिए तखमीने के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने एक माशी पैकेज तैयार किया। हुकूमत मुस्तहक अफराद में खुसूसी फूड सिक्योरिटी कमेटी और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए राशन तकसीम कर रही है, जिसके तहत अब तक गैर सरकारी इमदादी तंजीमों और मुखय्यर हजरात की जानिब से 2,00,000 से जायद मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत भी माशी तौर पर मुतासरा मुस्तहक अफराद में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक रिफाई तंजीम के तआवुन से मुस्तहक खानदानों को पकी पकाई रोटियों की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम के जरिए 2,20,000 रोटियां मुस्तहकीन में तकसीम की जा चुकी हैं। हुकूमत बलूचिस्तान दस्तियाब वसाइल में रहते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और मआशरे के हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हुकूमती काविशों में भरपूर साथ देना चाहिए। महकमा इत्तलात हुकूमत बलूचिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। कौमी मालियाती कमीशन के लिए तकरर शुदा बलूचिस्तान के मेंबर जावेद जब्बार के इस्तीफे पर वज़ीरा बलूचिस्तान मीरजाम कमाल खान का रद्द अमल। जावेद जब्बार का रजाकाराना इस्तीफा उदास इवेंट है और कुछ खुद गर्ज अफराद ने जावेद जब्बार जैसे काबिल शख्स के बारे में जो डिस इंफॉर्मेशन फैलाई है वो काबिल अफसोस है। जावेद जब्बार एक काबिल और सूबे बलूचिस्तान और NFC के बारे में अबूर रखने वाले शख्स हैं। उम्मीद है कि मनफी और तनकीदी अशखास को अपनी गलती का एहसास मुस्तकबिल में होगा। सूबाई वज़ीरा मीर्ज़िया लांगू ज़हूर अहमद बुलेदी का तुर्बत दौरा। सानिहा जंग लवाहिकीन के घर आमद, फातिहा खानी और ताज़ियत। सानिहा जंग में मुलव्वस नासिर के साथ किसी भी किस्म की नरमी रियायत नहीं बरती जाएगी। कानून से बाहर कोई नहीं मासूम जख्मी बच्ची बर्मिश बलोच की सरकारी अखराजात पर इलाज किया जाएगा। मकतूला को सरकारी सतह पर शहीद करार दिया जाएगा और लवाहिकीन मुआवजा दिया जाएगा। वाके के असल मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। जिंग वाके बलोच चादर चार दीवारी पर डाका था जिसकी हर फोरम पर मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से 90 माह एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गया। साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मस्तूम डॉक्टर शाह वली को कोरोना वायरस तशखीस हुआ था। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थे जो आज जिंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर शाह वली की जुदाई बाइस रंजो गम है। शोभा तिब में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर मोहम्मद सलीम अबड़ू का कहना था कि बलूचिस्तान के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जुर्रतमंदी और बहादुरी से कोरोना वायरस के खिलाफ सफाए अव्वल में जंग लड़ रहे हैं। शहीद डॉक्टर जुबैर और पैरामेडिक्स की कुर्बानियां आवाम के तहफ्फुज के लिए हैं। तारीख में शोभा तिब से वाबस्ता शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर जुबैर रहीम काकड़ डिप्टी MS फातमा जना हस्पताल कोयटा ने मुश्किल हालात में हस्पताल की जिम्मेदारियां संभाली। जब MS कोरोना वायरस का शिकार हुए और जिम्मेदारियां बाएहसन खूबी सर अंजाम दे रहे थे, डॉक्टर जुबैर रहीम काकड़ हकीकी मायनों में फ्रंट लाइन पर कोरोना के शिकार मरीजों की देखभाल में अहम किरदार अदा कर रहे थे। बलूचिस्तान से NFC अवार्ड के गैर सरकारी रुकन जावेद जब्बार मुस्ताफी। बलूचिस्तान से NFC अवार्ड के गैर सरकारी नामजद रुकन जावेद जब्बार रजाकाराना तौर पर मुस्ताफी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान से 10वें NFC अवार्ड के गैर सरकारी रुकन ने अपने ओहदे से रजाकाराना इस्तीफा दे दिया। जावेद जब्बार की नामजदगी को बलूचिस्तान के सियासी हलकों की जानिब से इनके बलूचिस्तान का गैर रिहायशी होने के सबब शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, जबकि इनकी तकर्री के खिलाफ रुकने को कौमी असम्बली मोहम्मद असलम भुतानी और बलूचिस्तान के वकला नुमाइंदों की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अलग अलग आईनी दरख्वास्तें दायर की गई थी।
कोरोना वायरस से मुतासरा बीएमसी ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद को दौरान अलालत तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। डॉक्टर जुबैर अहमद महकमे सेहत के सीनियर और बासलाहियत अफसर थे। इनकी शहादत से महकमे सेहत बलोचिस्तान एक काबिल और दयानतदार साथी से महरूम हो गया। डॉक्टर जुबैर अहमद कबल वफात एक हफ्ते से छुट्टी पर थे। दौरान अलालत उनकी दरख्वास्त पर डीजी हेल्थ ने इनके घर खसूसी तिब्बी टीम भिजवाई जिसने मुख्तलिफ टेस्ट सैंपल लिए। तिब्बी रिपोर्ट इसी रात मौसूल हुई जिसमें डॉक्टर जुबैर अहमद इनकी जौजा और बेटे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर जुबैर अहमद ने आज खुद घर में आइसोलेट होने का फैसला किया। रिपोर्ट आने के बाद दो दिन तक महकमा सेहत से कोई राबता नहीं किया। कोयटा इलाके हजारा टाउन में नौजवान पर तशद्दुद के वाके पर आज रुकनी डीआईजी तश्कील दे दी गई। 15 दिन के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेंगे। तफसीलात के मुताबिक हजारा टाउन में नौजवान पर तशद्दुद के मामले पर तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई। 8 रुकनी जेआईटी के सरबरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन असद खान नासिर होंगे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास और तहकीकाती इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। जेआईटी 15 दिन के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश करेगी। कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वाले अफराद के प्लाज्मा के जरिए कोयटा में भी मरीजों का इलाज शुरू हो गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलोचिस्तान डॉक्टर मोहम्मद सलीम अब्दुल ने बताया कि प्लाज्मा कलेक्शन रीजनल ब्लड सेंटर में होगी। तिब्बी प्रोसीजर मुकम्मल करके शेख जायद अस्पताल, फातिमा जिन्ना चेस्ट अस्पताल और दीगर मखसूस अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। इलाज के लिए इब्तदाई तौर पर 2 मरीजों को प्लाज्मा लगाया जाएगा। दोनों में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ रही है। प्लाज्मा के जरिए इलाज के लिए तिब्बी माहिरीन की टीम कोयटा के मुकामी डॉक्टर्स को भी ट्रेंड करेगी जिसके बाद इस तरीके इलाज को सूबा भर में वसत दी जाएगी। महकमा सेहत बलोचिस्तान कोरोना वायरस के इलाज में खासी पेशरफ्त हासिल कर रहा है। जल्द मजीद अच्छी खुशखबरी मिलेगी। खबर शामिल करते हैं हरनाई से, जहाँ रिपोर्टर की तफसीलात के मुताबिक माह रमजान के आखिरी अशरे में हरनाई पंजाब शाहरा के शाहरा को मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बायस पहुँचने वाले नुकसान से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा था। मुतल्लिका महकमे के पास हैवी मशीनरी की अदम दस्तियाबी के बायस सड़क खोलने में मुश्किल का सामना रहा। तहम डिप्टी कमिश्नर अजीम जान डुमर ने सड़क की बहाली के लिए तमाम तर इकदाम उठाए। ट्रक एसोसिएशन के सरपरस्ती आला दिलावर शाह ने अपनी मदद आप के तहत दिन रात की मेहनत से छोटी मशीनरी के जरिए शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। ट्रैफिक सड़क को दोनों इतराज से बहाल कर दिया गया है, लेकिन ट्रक एसोसिएशन के सरपरस्त आला सैयद दिलावर शाह का कहना है कि ज़िला हरनाई मानसून के जोन में वाक़ होने के अलावा सूबे का वाहिद ज़िला है जो 90% नदी नालों और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से साल नहीं बल्कि हर महीने बारिश होने के बाद शाहरा पर लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में सैलाबी रेलों के बायस आर्जी बुनियादों पर ट्रैफिक बंद हो जाती है, जिससे कोल माइंस जिम्मेदारों, ताजरों और आम मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किल का सामना होता है। लिहाजा सड़क की मुस्तकिल बहाली के लिए इसे नेशनल हाईवे के हवाले किया जाए और रवा बजट में PSDP में शामिल करके मंजूर शुदा फंड मुख्तस किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्टर बिलाल तरीन, मशरिक न्यूज़, हरनाई। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरिक HD.TV और देखते रहिए मशरिक न्यूज़।